दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप साइट इंजीनियर हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, या फ्रेशर हो या परसुइंग सिविल इंजीनियर हो। आज मैं स्लैब की चेकलिस्ट आपको बताने वाला हूँ, ऐसी 15 बातें बताऊँगा जो कंक्रीट होने से पहले आपको चेक करनी है एज ए सिविल इंजीनियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, कम्प्लीट वीडियो देखना, थोड़ी लंबी होगी वीडियो लेकिन आपके काम की काफ़ी ज़्यादा है। तो 15 ऐसी बातें आज हम बताने वाले हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, जब भी कंक्रीट होने वाला होता है उससे पहले दिन आपको ये चेकिंग कर लेनी है कि उसमें प्रॉपर कवर ब्लॉक जो रहता है हमारा, वो प्रोवाइड कर दिया है कि नहीं किया है। क्योंकि कवर ब्लॉक अगर उसमें नहीं रहेगा तो सरिया नीचे स्लैब में टच होगा और बाद में उसमें क्रोजन लग के वो वीक कर सकता है पूरे स्ट्रक्चर को। और मेंशन होगा ड्राइंग में कि कितने एमएम का आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है स्लैब की स्टील में, तो वो हमारा 15 से 25 mm का हमारा कवर ब्लॉक रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको चेक कर लेना है। और एक चीज़ और भी देखनी है, जिस ग्रेड का कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो, M30 है तो M30 ग्रेड का आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए, अगर PVC का है तो PVC का होना चाहिए, जहाँ कंक्रीट का है तो कंक्रीट का आपको ग्रेड चेक कर लेना है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख लेनी है कि प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि देखो अगर वो स्लैब में प्रोवाइड किया गया है तो हर एक स्क्वायर मीटर पर 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। कितने? हर स्क्वायर मीटर पर 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। दूसरा, अगर बीम में प्रोवाइड किया तो बीम के साइड में भी देख लो कि हर एक मीटर पर प्रोवाइड किया है कि नहीं, और बॉटम में देख लो कि प्रोवाइड किया है कि नहीं। पहले कवर ब्लॉक आपको एक चीज़ देख लेना है, कवर ब्लॉक आपका प्रॉपर से वहाँ होना ही होना चाहिए। ये पहले हमारे कवर ब्लॉक की हो गई। फिर एक जगह और कवर ब्लॉक देखना होता है, वो मैं आगे बताऊँगा, वो आपको उसी में चीज़ हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जो आपके कॉलम होंगे उनमें प्रॉपर मास्टर रिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। ये काफ़ी बड़ी गलती की जाती है। देखो होता क्या है, मास्टर रिंग जैसे आप सामने देख रहे हो कॉलम में एक रिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर आप मास्टर रिंग प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, जब एक बार कंक्रीट हो जाएगा ऊपर की स्लैब में जब आप कॉलम करने जाओगे तो उसमें आपका सरिया आउट होगा और उसमें आप जॉगर लगाओगे, तो वो एक ख़राब चीज़ है। तो आपको जंक्शन जो होता है बीम और इसका जंक्शन, उसके चारों तरफ कवर मिलना चाहिए, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवा दो। दूसरी चीज़, उसमें मास्टर रिंग आपकी आनी चाहिए, जैसे आप सामने देख रहे हो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मास्टर रिंग, जितने भी कॉलम होंगे आपके वहाँ तो कंक्रीट होने से पहले वो मास्टर रिंग उसमें पहनानी चाहिए। तीसरी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आपको आ गया, शटरिंग की चेकिंग में ले लो इसको, क्योंकि स्लैब कास्ट होने से पहले ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। नीचे जो शटरिंग है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, मतलब आप नीचे खड़े हो जाना है जैसे हम नीचे से देख रहे हैं, तो उसमें जीरो गैप होना चाहिए, मतलब लाइट नीचे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा शटरिंग पैकिंग होनी चाहिए। ऊपर आप क्या करो, टेप लगा दो या ग्रीस लगा दो, ऐसी शटरिंग करो कि उसमें नीचे गैप नहीं हो, कोई स्लरी नीचे गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्लरी गिर गई तो मतलब जो सीमेंट का घोल होगा, मतलब जो मेन तो हमारा कंक्रीट में क्या है, सीमेंट नीचे गिर जाएगा तो वो कंक्रीट वीक हो जाएगा और वहाँ हनीकॉम भी आ सकता है और ख़राब जगह वो हो जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी ऐसी जगह हो वहाँ आपको पैकिंग करवा देनी है। दूसरी चीज़ शटरिंग में आपको क्या देखनी है, जो क्लैंप होता है, शिकंजा हम जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर स्पेसिंग पे मारा गया है कि नहीं मारा गया, वो देख लेना है। और जो स्पान की अगर शटरिंग कर रहे हो, जैसे स्पान आप देख रहे हो सामने, तो स्पान में नीचे प्रॉप लगनी चाहिए, टेका लगना चाहिए कि प्रॉप के सेंटर में, क्योंकि जो स्पान होता है वो फेलियर होने के चांसेस कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंटर में, तो वहाँ एक टेका आना ही आना चाहिए। और प्रॉप्स की स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि प्रॉपर से नीचे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एकदम से जब लोड आएगा, अगर आप उससे बूम प्लेसर से भर रहे हो या कंक्रीट पंप से भर रहे हो, तो एकदम से माल आ जाता है, कई कई जगह तो वो आधा आधा क्यूब भी इकट्ठा हो सकता है, तो उस केसेस में फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर नीचे चेकिंग कर लेनी है। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अगली जगह बढ़ते हैं हम, अगली चेकिंग जो आपको करनी है, जो आपका ओल्ड कंक्रीट होगा उसको प्रॉपर से चेक कर लेना है आपने, कि उसमें जो जॉइंट बनने जाएगा उसको तोड़ा होना चाहिए, जैसे आप सामने देख रहे हो तोड़ रहे हैं, मतलब स्लोप में वो टूटा होना चाहिए कि बाद में जब कंक्रीट हो वो एक जैसा लेवल सरफेस दिखे। और उसमें आपने जो केमिकल होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट केमिकल, निट्टो बॉन्ड हो गया, वो आपको अप्लाई कर देना है कंक्रीट होने से आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद कंक्रीट उसमें डालना है और अच्छे से वॉश कर लेना है उस एरिया को जहाँ पर आपका ये जॉइंट है, क्योंकि जो ओल्ड स्लैब होती हैं उनको नई स्लैब से जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ये चौथी चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो करनी है चेयर।
जो आपकी डबल मैश होती है, जहाँ जहाँ क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ डबल जाली बन रही है बॉटम बार हो नीचे का बार, और जहाँ पे टू बे स्लैब होती है, तो वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मैश मिल जाती है जब कंक्रीट ऊपर पड़ता है उसके। तो आपको क्या करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग की आपको चेयर प्रोवाइड कर देनी है हर एक मीटर पे, जहाँ जिस हिसाब से की मैश होती है उस हिसाब से आपको वहाँ चेयर प्रोवाइड कर देनी है। वो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए चेयर की मतलब कंक्रीट के अंदर ही आनी चाहिए। उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से बनाना है कि वो मैश का मतलब अगर ही हमारी स्लैब की 125 mm भराई है तो उसी हिसाब से ऊपर कवर उसका मिलना चाहिए। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि चेयर की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, चेयर क्या होती है, ये जो भी चेकिंग लिस्ट में बता रहा हूँ इंडिविजुअल एक एक वीडियो इसमें मैं बना चुका हूँ। 650 प्लस हमारी चैनल पर वीडियो है, अगर वो आप देखते हो तो आप घर पर बैठे ही साइड इंजीनियर बन जाओगे। अगली छठी चीज़ आपको जो चेक करनी है, जो मेन बार होता है और जो हमारा बंटअप बार है उसकी स्पेसिंग आपको चेक कर लेनी है। जैसे हमारा यहाँ मेन बार है जो 135 उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो इसमें हम टॉलरेंस कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 10-15 mm हमारे छोटा होगा बड़ा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो रिस्की हो सकता है क्योंकि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि मेन बार में और डिस्ट्रीब्यूशन बार में प्रॉपर स्पेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, स्पेसिंग का भी आपको चेक कर लेना है। स्पेसिंग का ये बोल रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से तो आपको सब चेक करना ही चेक करना है, ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ ड्राइंग के हिसाब से आपको सब देखना है कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, लेकिन ये जो मेन बार का स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग ये मस्ट आपको चेक करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है क्रैंक बार की लेंथ, ये काफ़ी दिनों से वीडियो इस पर बनती आ रही है कि क्रैंक बार की लेंथ आपको देखनी है। क्रैंक बार की लेंथ क्या, जैसे ड्राइंग में मेंशन है कि L/4 पे आपका क्रैंक आएगा, तो आपको स्पान देख लेना है कि 3 meter का है, तो फिर उसको डिवाइड करना है 3 meter/5, तो आपको वो देखना है कि प्रॉपर क्रैंक तोड़ा गया है, उतनी एरिया पे क्रैंक प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अगर ये गलती होगी, क्योंकि क्रैंक अगर आगे पीछे प्रोवाइड किया होगा तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब शेयर फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये चेक कर लेना है कि क्रैंक प्रॉपर तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। फिर जो एक्स्ट्रा बार होगा ऊपर, एक्स्ट्रा बार प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है, स्पेसिंग उसकी देख लेनी है, क्योंकि हमारे ड्राइंग में जो मेंशन था, ये ड्राइंग में मेंशन क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमने पुरानी ड्राइंग्स थी हमारी उसमें मैंने आपको वीडियो लाई थी कल परसों जिसमें ड्राइंग दिखाई थी, तो उसमें 270 सेंटर टू सेंटर था स्पेसिंग, तो वो चेक कर लेना है आपको कि प्रॉपर 270 पे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई एक्स्ट्रा बार की गई नहीं, जहाँ उसमें जो एक्स्ट्रा बार की लेंथ होगी वो L/4 के हिसाब से थी, तो वो आपको देख लेना है कि दोनों तरफ L/4 निकली है नहीं निकली। वो कैसे निकालेंगे हम, स्पान जो होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक तरफ उतना आपका बेंटअप निकलना चाहिए और एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे डोरी मार के सामने किया जा रहा है तो उसी तरीके से उसको प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट आठवीं चीज़ जो है, तो जो आपको वॉशिंग मतलब पानी से धो लेनी है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये धोना कब है, जब भी कंक्रीट होने पहले है उससे आधे घंटे पहले आपको रखना है, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन पहले धो के उसको धोगे, एक ये चीज़ ठीक नहीं है, मतलब शरीर को धोना नहीं एक्सेप्टेबल होता है कई जगह पे, लेकिन उसको अगर ज़्यादा डस्ट आप धो लो उसके बाद जल्द से जल्द उसमें कंक्रीट होना चाहिए, नहीं तो वो क्रोजन पकड़ लेगा। तो आपको जो भी बीम के बॉटम होगा उसमें कोई भी ना आपका डस्ट होनी चाहिए ना कोई ऐसा जो सरिया नहीं चाहिए वो पड़ा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, काम करते करते टाइम वहाँ नेल्स गिर जाते हैं, वाइंडिंग वायर गिर जाती है, तो वो आपको साफ़ करवा देनी है उसमें। फिर जो शटरिंग ऑयल लगवाया गया है वो ज़्यादा तो नहीं है, प्रॉपर चेक कर लेना है। ये चेकलिस्ट तो शटरिंग ऑयल शटरिंग के टाइम की है कि शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, लेकिन आपको तब भी देख लेना है कि शटरिंग ऑयल ज़्यादा तो नहीं है, कहीं सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगा ना, ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है एज ए साइट इंजीनियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं नौवीं जगह, तो इलेक्ट्रिक पाइप आप सामने देख रहे हो, जो इलेक्ट्रिक पाइप प्रोवाइड की गई हैं तो उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पाइप मतलब जैसे गैप होगा तो प्रॉपर उसमें कंक्रीट घुस पाएगा एकदम, मतलब एक मतलब साथ में आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है कि एक ही जगह पे कंडक्ट पाइप को घुसा दिया जाता है, वहाँ कंक्रीट घुसता नहीं है, वहाँ हनीकॉम भी आ सकता है और वहाँ पे वो सेक्शन भी स्लैब का वीक हो सकता है, तो इसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए एटलीस्ट इतनी कि जो एग्रीगेट का साइज़ है उतना आपका कंडक्ट पाइप में स्पेसिंग होनी चाहिए। मिस्टेक हुई है सामने, आप देख रहे हो यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, तो ये गलती की जाती है काफ़ी जगह स्लैब्स पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, थोड़ा उसमें स्पेस आपको रखना ही रखना है। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है आपको, जैसे आपकी स्लैब का स्टील बन जाए, जो फेरी फेरी होती है
साइड्स होती हैं स्लैब की, तो उसकी आपको लाइन लेवल चेक कर देनी है, क्योंकि जब आप उसमें प्लास्टर करने जाओगे तो दिक्कत होती है, तो आपको उसकी लाइन चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर लाइन में है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है, शटरिंग का लेवल, मतलब स्लैब का लेवल, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं होगा तो वहाँ कंक्रीट ज़्यादा जा सकते हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, तो आपको चेक कर लेने हैं कि वहाँ जो शटरिंग है वो प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। उसका आप वाटर लेवल से चेक कर सकते हो, जैसे आप सामने देख रहे हो ऑटो लेवल से चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ चेक कर लेनी। और बीम का जहाँ क्या होता है, कई जगह उसमें उसको बीम को टाइट रखा होता है, कैम्बर प्रोवाइड किया होता है कि जो हैवी बीम होते हैं बाद में उसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी, तो उसको आपको देख लेना है। 20 से 25 mm आप 30 mm कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, तो वो कैम्बर प्रोवाइड किया है कॉन्ट्रैक्टर ने शटरिंग के टाइम या नहीं, तो वो जब आप उसका लेवल करोगे तो उसमें आपको वो चेक कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है स्लीव जो प्रोवाइड की जाती है इसमें, तो प्रॉपर से स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनकी जो डिस्टेंस पे आनी चाहिए या जो हाइट पे आनी चाहिए वो प्रॉपर स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनके फेसिस बंद कर दिए गए हैं, उसमें कंक्रीट नहीं जाए, ऐसी चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है स्लीव के साइड पे, वो एक्स्ट्रा बार भी आपको देख लेना है कि एक्स्ट्रा बार उसमें प्रोवाइड किया है कि नहीं। दूसरी चीज़ साथ में देख लेनी है, जो कटआउट्स होते हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग पे हैं कि नहीं है, और साथ में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है वो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट बेसिक चीज़ आपको डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेनी है कि प्रॉपर जितनी उसमें मेंशन की थी 50D या 60D, तो उतनी डेवलपमेंट लेंथ उस बीम में प्रोवाइड की गई है कि नहीं। ये मैं बीम के सेक्शन में बताया था, जब हम बीम की चेकिंग करते हैं स्टील की, बीम स्टील की, तो उसमें वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप वो प्ले लिस्ट है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइव आपको वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं, तो उसमें ये चीज़ चेक हो गई होती है। लैप लेंथ भी आपको देख लेना है कि प्रॉपर स्टैगर्ड लैप प्रोवाइड किया है 50D के हिसाब से प्रोवाइड किया है, अगर 10 mm का सरिया है तो 500 mm हमें लैब मिल रहा है कि नहीं, और अल्टरनेट लैब प्रोवाइड किया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ जो बीम की हमने चेकिंग की थी, और ड्राइंग के हिसाब से आपको सब चेक कर लेना है, बाकी जो ड्राइंग के हिसाब से तो हमें काम देखना ही देखना है, लेकिन जो ये 15 चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको मस्ट देखनी देखनी है जब भी आप चेकिंग करो। तो सिविल इंजीनियर्स ये था बेसिक वीडियो, और काफ़ी अच्छा वीडियो था, आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या एज ए सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर आपको साइट पर चेक करना होता है। तो इसी के रिलेटेड और वीडियोस आएंगे आपके लिए, कल हमारा कंक्रीटिंग है तो कंक्रीटिंग पे वीडियो रहेंगी कि कैसे हम स्लम टेस्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कंक्रीटिंग के टाइम ध्यान रखनी होती है। तो ऐसी कंटिन्यू वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे विजिट करो, नया चैनल है जॉब का उधर भी जाओ। थैंक यू गाइज़।